अभी आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के चेस्ट में आ गए हैं। अभी हम एंटर करने वाले हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी म्यूजियम, जो गैलरी है। सर ये ऊपर जाने के लिए ओके, सो दिस इज हाउ द गैलरी लुक्स। गाइस जी, हम लोग अभी व्यूइंग गैलरी पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं ये जो व्यूइंग गैलरी जो है, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके चेस्ट में जो बनी है, और आप ये देख सकते हैं सरदार सरोवर डैम। काफ़ी धूप आ रही है तो पिक्चर आपको साफ सुथरी नहीं नज़र आएगी, ग्लेयर आएगी। में आप सभी का स्वागत है। अभी आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के चेस्ट में आ गए हैं। 38 से 40 सेकंड में लिफ्ट आपको ऊपर लाती है, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। लिफ्ट फास्ट है, अगर हाइट में देखने जाए तो 135 मीटर पर अभी खड़े हैं। टोटल हाइट है 182 मीटर। अगर फ्लोर के हिसाब से देखिए तो 45 फ्लोर पे अभी खड़े हैं। पूरे स्टैचू 60 फ्लोर जितना, ये लास्ट है, यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते। लिफ्ट यहाँ तक की है, सीढ़ियाँ सिर्फ मेंटेनेंस वाले ही जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिखना है सामने सरदार सरोवर डैम, और पीछे का पानी यहाँ से दिखाई देता है। और इस तरफ की सतपुड़ा की पर्कमालाएँ हैं, इस तरफ की विंध्याचल की पर्कमालाएँ हैं, और नीचे जो रिवर है नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर के बीच में साधु आइलैंड पे स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। वो साधु आइलैंड को कट करके एक लेवल बना के उसके ऊपर दो पिलर खड़ा किया है। आप आइए, वो लिफ्ट इसके अंदर बनाई गई है। पिलर भी वो है, पेयर भी वो है, और लिफ्ट भी इसके अंदर बनाई गई है। इसके आसपास ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, स्टील का स्ट्रक्चर ज्वाइन किया, और इसके बाहर की साइड ब्रॉन्ज की प्लेट लगाई है। जैसे कपड़ा पहनते हैं वैसे पूरे पूरा बाहर की साइड से ब्रॉन्ज से कवर किया है। और आर्किटेक्ट है रामवीर सुथार, वो महाराष्ट्र के 96 एज के, और एलएनटी कंपनी वालों ने बनाया है लार्सन एंड टूब्स। उन्होंने ये काम 3.5 साल में खत्म किया है। और ये जो जाली है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कोट पहना है, जैकेट इसकी डिजाइन है। और इस तरफ दोनों तरफ बाकी तरफ पे जो पार्ट दिख रहा है शॉल उड़ा इसका पार्ट दिख रहा है, और बीच में जो पट्टी है बटन पट्टी है, वहाँ से आपको कोट का ऊपर सेकंड नंबर का गोल आकार का बटन दिखाई देगा। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा क्यों बनी, उन्होंने 562 रियासतों को एक किया था, इसलिए स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। तो पूरा राउंड घूमना है, उसके बाद लिफ्ट छोड़ के नीचे म्यूजियम में वो देखना है, उसके बाद पैरों के पास जाके बाहर का स्टैचू देखना है, उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर और सरदार सरोवर डैम, वो दो चीजें आपकी यह टिकट में इंक्लूड है। वो आपको बस लेके जाएगी बस बाय बस पार्किंग से। थैंक यू। सो गाइस, यू कैन सी ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया है। रवि जिसे मैडम ने बताया, दिस इज 182 मीटर्स द हाईएस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, विच वॉज मेड बाय एलएनटी। काफी गहरा है।
लिए मॉडर्न इंजीनियरिंग मार्वल। विच इज़ डेडिकेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनकी लाइफ के बारे में कुछ पुराने पिक्चर्स है, ये वीडियोस है और ये वीडियोस के थ्रू उनकी लाइफ के बारे में बताया जा रहा है, द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। दिस डिस्प्ले इज़ बेसिकली जो इस इलाके में जो वाइल्ड एनिमल्स बर्ड्स जो पाए जाते थे उनके बारे में मालूम है। तो एंटरिंग दिस थिएटर क्षमता है जो गुजरात और राजस्थान में पानी का वितरण करती है। पानी वहाँ के जो ये लोकल्स हुआ करते थे इस इलाके में उनके बारे में इंफॉर्मेशन है।
क्रेज़ अभी एक बच्चे ने मुझे अप्रोच किया और मुझे पूछ रहा था कि आप व्लॉगर हो, तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि अभी तक यूट्यूब पे मेरी एक भी वीडियो नहीं है, शायद से ये पहला वीडियो होगा। तो उसने मुझे मेरे चैनल का नाम पूछा, विच इज़ मोटो लाइफस्टाइल, और ही वॉज़ लाइक अमेज्ड। मैंने जब भी उससे बताया कि मैं मोटरसाइकिल पे मुंबई से यहाँ तक आया हूँ, तो दैट्स गुड, पीपल आर रियली यू नो फैसिनेटेड बाई यूट्यूबर्स, और जब वो देखते हैं कि कोई वीडियो निकाल रहा है। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि मैं ताकि मैं और अच्छे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।